गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड किया था टू वेक्टर्स की एडिशन का, आज हम एनालिटिकल मेथड करेंगे। एनालिटिकल मेथड में हम आपको इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करेंगे। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग टू वैक्टर्स विच आर इंक्लाइंड एट ईच अदर बाई एन एंगल थीटा। आप मान लीजिए कि हमारे पास दो वैक्टर्स हैं ए और बी, एक ऐसे है एक ऐसे है बी। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का तो हम क्या कहते हैं कि इफ वी आर हैविंग टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड इट इज पॉसिबल फॉर अस टू रिप्रेजेंट दीज टू वेक्टर्स एट एट द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स। मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको नाम दे देता हूँ ओ, इसको पी, इसको क्यू, मतलब क्या हो गया कि इसमें ओ क्यू वैक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर, या हम मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतना हमने किया था पिछली बार, है ना। अब इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। अब इसका हम तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले आर का। इस आर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि ये आर की वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए आप क्या कीजिए, यहां से एक आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए जो इसके साथ यहाँ आकर के मिले, इसको नाम आप एन दे दीजिए। तो ये एंगल है थीटा और ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप क्या करेंगे, ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन द ओ पी प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, इन उसके बाद राइट ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू या ओ क्यू एन, कुछ भी लिख सकते हैं ओ क्यू एन। पाइथागोरस आप थ्योरम जानते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ऐसे आता है। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन आ जाएगा जी, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये आ गया ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ पी इंटू पी एन प्लस एन क्यू का स्क्वायर वैसे का वैसे। इक्वेशन नंबर वन दे दीजिएगा इसको। उसके बाद लीजिए आप ये वाले ट्राइंगल पी एन क्यू, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू में राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो है आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर आती है, ये आ जाएगी पी क्यू का स्क्वायर, है ना, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, एक बात तो ये आ जाएगी। दूसरी इसमें आप देखिए ये थीटा है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूस, ओके बेस क्या है पी एन,
और हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू। तो यहां से पी एन किसके बराबर आ जाएगा, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू ये है तो इसको आप इसमें पुट कर दीजिए कुछ में, इक्वेशन नंबर वन में इस पी एन की वैल्यू हमें चाहिए थी, ये पी एन की वैल्यू यहां हम लिखेंगे। अच्छा तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर बच गया था, प्लस टू इंटू ओपी इंटू पी एन की जगह हम क्या लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा नंबर वन। और पी एन का स्क्वायर यहां से आप देखिए किसके बराबर आ जाएगा, यहां से पी एन का Pn का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ये Pn का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर किस किसके बराबर आ गया, Pn स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस इन दोनों का जमा करके ये देख लीजिए ये आ गया पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, प्लस टू इंटू ओ पी इंटू पी क्यू कॉस थीटा। अब जो वेक्टर्स हमने लिए हैं ए बी सी करके उन इसको रिप्रेजेंट कीजिए, ओ क्यू किसके बराबर है आर के बराबर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी किसके बराबर है ए के बराबर, ए का स्क्वायर प्लस पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू है हमारा बी के बराबर, बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ पी किसके बराबर है ए के बराबर, और पी क्यू कॉस थीटा पी क्यू है बी के बराबर इंटू कॉस थीटा। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, यहां स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। एंड माई डियर स्टूडेंट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स, दो वैक्टर्स अगर हमारे पास हैं ए और बी तो उनका रिजल्टेंट जो होगा आर उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर आना, ये हमेशा याद रखना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास दो तीन केस आ जाते हैं, सबसे पहले केस हम लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री नंबर वन। अच्छा जा इसकी पहले डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, हमने मान लिया पहले डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, ये ओ था ना, हमने मान लिया ये एंगल जो था ना ये अल्फा है, ठीक है, लेट अल्फा बी द एंगल जब तकरीबन बुक्स में आपको ये फाई करके मिलता है, हम भी फाई ले लेते हैं कोई बात नहीं, हमें क्या तंगी है, लेट फाई बी द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द वेक्टर ए, ए के साथ जो एंगल बनाता है ये रिजल्टेंट वो क्या है हमारे पास फाई के बराबर है। फिर ओ एन क्यू जो ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू, अब देखिए टेन फाई किसके बराबर होता है, टेन फाई किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है पी बटे बी, तो P आ गया हमारे पास क्यू एन और B हमारे पास आ गया ओ एन,
ये आ गया क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन, तो इजिकल टू क्यू एन वैसे का वैसे, ओ एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ एन इजिकल टू ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा चलो इन राइट एंगल ट्राइंगल जहां हमने पहले किया था पी एन क्यू, ये ट्राइंगल, इसमें देखिए साइन थीटा किसके बराबर आता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया क्यू वन और ये आ गया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू वन डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो यहां से देखा जाए तो क्यू वन किसके बराबर हो गया पी क्यू साइन थीटा, ऐसे ही यहां से अगर आप कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा अभी हमने निकाला भी है, अभी अभी निकाला है, तो कॉस थीटा किसके बराबर आता है, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा बेस है पी एन डिवाइडेड बाय पी क्यू, तो यहां से पी एन किसके बराबर आ जाएगा पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। इनको इक्वेशन नंबर थ्री लिख दीजिए। नौ इक्वेशन थ्री इसको नहीं लिखेंगे, इक्वेशन थ्री यहां इसको लिख दो, इसको इक्वेशन थ्री लिखो क्योंकि ये हमको ये इसको फोर कर दो। देयरफॉर इक्वेशन नंबर थर्ड बिकम्स अब टेन फाइव, देखो किसके बराबर आ गया टेन फाइव इज इक्वल टू क्यू वन है, तो यहां पर क्यू वन किसके बराबर है, ये हमारे पास पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ओपी किसके बराबर है, ओपी ए के बराबर है, जा इसको ओपी रहने दो, ओपी एक स्टेप उसके बाद में लिखते हैं, प्लस पी एन किसके बराबर है, पी एन है पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। तो यहां से टेन फाइव इज इक्वल टू, अब पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो ये आ गया बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ पी किसके बराबर है, ए के बराबर है, प्लस पी क्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो ये कॉस थीटा आ गया। तो ये आ गई हमारी दूसरी एक्सप्रेशन, ये हमें दिखाएगी कि व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द वन ऑफ द वेक्टर्स। ये दो चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल आपने आज ही जमा लो, भूलनी नहीं चाहिए, इस्तेमाल बहुत वारा होगी, नहीं तो तकरीबन बच्चे जाकर के ट्वेल्थ में कहते हैं सर एक बार वो वेक्टर वाला दोबारा पढ़ा दो, जैसे इलेवेंथ में बच्चे आकर के कहते हैं सर एक बार वो ट्रिग्नोमेट्री और लग रहे थे एक बार दोबारा पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाती है, अपना सिलेबस ही बहुत है। अच्छा अब हम करते हैं, जब हम आपसे बात कर रहे थे कि स्पेशल केसेस नंबर वन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, इट मींस थीटा इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या हो गया कि ए और बी जो हैं ये दोनों क्या हैं कोलिनियर वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल जीरो है, तो उस समय क्या होगा इफ ए इज इक्वल टू बी देन आर इज इक्वल टू आर, मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला है, ये आ गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बेटा इसको बार बार बोलना, जब आप जोर से बोलेंगे आपने खुद बोली हुई बात खुद सुनाई देगी कि मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, इसलिए बार बार बोलना, और जब मैं आधा सेंटेंस छोड़ देता हूं आप बोलिए जरूर, आप बोलेंगे इतनी देर में मेरी आवाज आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, अगर ठीक बोल रहे थे अच्छी बात है आपको मुबारक है, गलत बोल रहे थे तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो यह आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ जीरो, और कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है, इज इक्वल टू आर हो गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, तो R किसके बराबर हो जाएगा, आप ये देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, हाँ यस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और ये कट जाएगा तो आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये आ गई एक बात, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। ये मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर कोई दो वेक्टर हो उनमें आर की ये मैक्सिमम वैल्यू है। एक नंबर का पूछ सकते हैं आपको कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो फिर निकालते हैं टेन फाइव, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन। टेन फाइव किसके बराबर होता है, हाँ बोलिए, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू बी इंटू साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के साथ किसी को भी डिवाइड कर दिया जाए तो एवरीथिंग बिकम्स इक्वल टू जीरो। इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट इफ यू आर हैविंग द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स एज जीरो डिग्री, इट मीन्स इफ दीज टू वैक्टर्स आर कोलिनियर वैक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर्स विल बी इक्वल टू is equal to the sum of the magnitude of these two vectors and the angle which the resultant makes with A will be equal to zero. It means it will lie on the same line. और यही शायद हमने किया था जब हमने कोलिनियर वैक्टर्स पढ़े थे, तो इसलिए फर्स्ट केस हमारा उसके मुताबिक ओके आ गया। अब दूसरा केस करते हैं, when theta is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री है, उधर जाने के बजाय उधर है, इसके मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, तो उस समय आर किसके बराबर हो जाएगा, एक ए के प्लस बी के प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा 180 डिग्री। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री। कॉस जीरो इज इक्वल टू वन एंड कॉस 180 इज इक्वल टू, यस इट इज इक्वल टू माइनस वन, सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू माइनस वन। इट मीन्स इट विल बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एंड आई थिंक you know that it is equal to a minus b ka whole square, square ka ye kat jayega to r will be equal to a minus b, aur jo agar aapko yaad ho to non collinear vectors ki jab humne addition ki thi to r aisa hi aaya tha, to humne kaha tha ki the magnitude of r will be equal to the difference of the two vectors and what will be equal to, what will be the value of the tan phi, b into sine 180 degree divided by a plus b cos 180 degree is equal to 0 because b into sine 180 is equal to 0 degree. It means the angle will be equal to 0 degree. अब एक चीज और हमारे पास आती है, तीसरा केस और हम करते हैं, वो क्या होगा, वन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस समय क्या हालात बनेंगे, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। एंड माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर इफ कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो देन 2ab इनटू कॉस 90 इज आल्सो इक्वल टू जीरो एंड r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ r एंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर
द रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड वट अबाउट द टेन फाइव, टेन फाइव किसके बराबर होगा, एंगल किसके बराबर होता है, टेन फाइव इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. इसको बार बार बोलना, आप इसको काफ़ी बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज आप भूलेंगे. तो यह आ गया बी इंटू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू कॉस 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा. जल्दी मत करना, जल्दी में बच्चे बोलते हैं सर नीचे जीरो आ जाएगा. अरे नहीं जीरो नहीं आएगा, कुछ और भी बचना है. यह आ जाएगा बी इंटू साइन 90 वन होता है और डिवाइडेड बाई ए भी बचेगा प्लस बी कॉस 90 इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो यह आ जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फाइव निकालना चाहें तो फाइव विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द एनालिटिक मैथड ऑफ फाइंडिंग द एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन. तो इसके बाद अब इसके साथ ही एक बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स, आपके सिलेबस में है. तो पहले सब्ट्रैक्शन कर लेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सब्ट्रैक्शन चूंकि बिल्कुल आसान है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स, सब्ट्रैक्शन आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन क्या होती है. अगर मैं टू प्लस वन कहूं आपसे, आप कहेंगे टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री. अगर फोर प्लस थ्री कहूं आप कहेंगे सेवन. अगर मैं कहूं व्हाट इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री, तो आपको याद, अभी तो आप बता देंगे वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, इज इक्वल टू वन ही है. लेकिन जब आपने पहली बार पढ़ना शुरू किया था, जब आपको ये आइडिया नहीं था, तब आपके लिए बहुत दिक्कत आई होगी. नंबर लाइन आपको पढ़ाई गई होगी सिक्स में आती, तो नंबर लाइन में आपको पढ़ाया जाता है, आपने पता नहीं कैसे पढ़ी है. लेकिन अगर आई थिंक अगर आपको बिल्कुल उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े जो आपके घर में स्टेप्स होती हैं स्टेयर्स सीढ़ियाँ, उनका एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं. प्लस करना है ऊपर की तरफ चलेंगे, माइनस करना नीचे की तरफ चलेंगे. फोर माइनस थ्री इट मीन्स फोर स्टेप्स ऊपर जाइए, तीन स्टेप पीछे आ जाइए, जहाँ पहुँचेंगे दैट विल बी द आंसर. तो इट मीन्स अगर वहाँ हम ये बात कहते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है ये भी एक किस्म की एडिशन होती है. एडिशन कैसे होती है, अगर मुझको करना है a माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी. इसका मतलब ये तो एडिशन है, बिल्कुल सिंपल केस है कि एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इन दोनों को मुझे जमा करना है. ऐसे ही सिंपल अलजेब्रा में भी आपने किया था. तो अब चूंकि हमने दो वेक्टर जो एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना रहे हैं उनको जमा करना हमने तो अच्छे से सीख लिया, हमने ग्राफिकल मेथड भी किया, हमने एनालिटिक मेथड भी कर लिया. तो उसी को दोनों मेथड्स को यूज करके हम बड़ी जल्दी फटाफट ये बात कर लेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी. सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ये ए है और ये बी है, ठीक. हाँ, और ऐसे दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल है थीटा, जैसे अभी हमने किया था, दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच में एंगल थीटा है. तो अगर आपको ए प्लस बी, मैं आपको कहूं कि ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, तो यहां कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, क्या आप बता पाएंगे. अगर आप बता लेते हैं पांच में से पांच नंबर आपको, अगर आप नहीं बता पाते इवन देन इट्स ओके, डोंट वरी, हाँ कोशिश जरूर करनी है आपको. इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं होता है. वो नहीं क्यों होता है, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये होता है कि ये वेक्टर जो है वो हेड टू टेल लगने चाहिए. और लॉ ये कहता है कि इफ
टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जहां तक ओके है, इन सेम ऑर्डर लिखा हुआ था वो इधर एप्लीकेबल नहीं है, यहां लागू नहीं है, यहां पर सेम ऑर्डर में नहीं है, इसलिए यहां लगेगा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां यही होता है कि अगर दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाए एक पैरेललोग्राम की, इसको इसके इसके पहले इसको इसके इसके पहले ले जाइए, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी दो एडजेसेंट साइज के द्वारा हम दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा जी, ये होगा R इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है जी, अच्छी बात है, इतना तो आपको आ जाता है, अच्छी बात है, अगर इतना आ जाता तो फिर तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर B यहां से इधर इधर को जा रहा है, तो अगर मैं यहां पर फुट्टा रख करके इतना ही ये नीचे मैं ड्रा कर दूं, इसकी डायरेक्शन इधर करूं, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, ये अगर जीरो है, यहां से यहां किसके बराबर होगा, ये क्या माइनस बी नहीं होना चाहिए। आपने नेगेटिव वेक्टर्स पढ़े थे, मैंने दूसरा वेक्टर जो डेफिनेशन पढ़ाई थी वो मैंने नेगेटिव पढ़ाई थी, नेगेटिव वेक्टर की आपको याद है, याद होना चाहिए, अदरवाइज कॉपी निकालिए दोबारा देख लीजिएगा। नेगेटिव वेक्टर मैंने कहा था कि विच इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है सिर्फ, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है जी, अच्छी बात, याद रखना। तो अगर हम a प्लस माइनस b कर लें तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो गई, तो हम क्या करेंगे, इधर भी इसके पैरेलल बना लेते हैं एक लाइन, इसके पैरेलल इधर बना लेते हैं एक लाइन ये, और यहां से यहां तक थीटा है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा जी, ये तो एक लाइन है ना सीधी 180 डिग्री है, तो यहां से यहां तक रहा आपका थीटा, तो यहां से यहां हो गया 180 माइनस थीटा, इतना हो गया जी, इतनी बात याद रहेगी। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, एक दोनों ये दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसका रिजल्टेंट किधर होगा, ये होगा इसके डायगोनल के जरिए हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ऐसा डायगोनल जो कि इसी पॉइंट से होकर के जा रहा है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे लिखने में आपको दिक्कत आती है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अपनी मर्जी है जैसे मर्जी लिख लो, अगर ये फिगर आपसे बन गई तो उसका मतलब आपका क्वेश्चन हो गया, इतनी ही है। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी स्टेटमेंट आप लिख देंगे, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स विच आर इनक्लाइंड एट एन एंगल बाय एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर, उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गिवन बाय आर विच is represented in magnitude as well as direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point and therefore r is equal to, r किसके बराबर होता है, अभी हमने निकाला है, r होता है under root a square plus b square plus 2ab cos of theta, ऐसा ही होता ना जी, अभी भी किया हमने, अच्छी बात है। Now, reproduce the vector b in the back direction and we get the vector minus b as shown in figure. Now, we are having two vectors a and minus b which are inclined at an angle 180 minus theta and according to parallelogram law of vector addition, the resultant of addition of these two vectors a and minus b is represented in magnitude as well as direction by the diagonal of this parallelogram drawn from the same point. And so,
एंड सो ए ए माइनस बी, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड वहां पर आर लिया था, यहां पर आर डैश भी लिख सकते हो आप, ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसी के मुताबिक ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ, नहीं नहीं सॉरी ये ऐसे रहना, इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ऐसे आएगा। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है जी? हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है, आपने वो किया था ना ऐसे जी, ऐड शुगर टू कॉफी, आपको याद है, याद होना चाहिए, यहां पर r पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां टैन पॉजिटिव और यहां कॉस पॉजिटिव, और 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, इससे कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। एंड माय डियर स्टूडेंट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा अब हम करते हैं व्हाट वुड बी द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहां हमने ली थी अल्फा ली थी फाइव, तो यहां हम लेते हैं फाइव वन जो आर बना रहा है और इसको लेते हैं फाइव टू, है ना। अच्छा तो हम डायरेक्ट फाइव टू लगा दें या पहले टाइम जो फाइव वन भी लिख लें, अगर आपको गलती लगने का चांस है तो मैं पहले फाइव वन लिख लेता हूं, अगर नहीं गलती लगने का चांस है तो हम सीधा फाइव टू लिख लेते हैं। अच्छा चलो लिख लेते हैं जी, टेन फाइव वन इज इक्वल टू क्या आया था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है ना, इसको याद रखना, बार बार बोलना ताकि आपको याद भूल नहीं जाए। तो टेन फाइव टू किसके बराबर हो जाएगा, इसमें क्या हुआ, सिर्फ थीटा चेंज हुआ बाकी तो सेम है, ये आ गया बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो और कोई चेंज नहीं हुआ ना, मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं होता ना। तो ये आ जाएगा बी और साइन 180 माइनस थीटा, इस बात को यहां पर साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, अरे कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए ए माइनस बी कॉस थीटा है। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एक ये और एक ये, ये दोनों चीजें बिल्कुल याद रखना दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा करके, अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स अच्छे से आती है तो सब्ट्रैक्शन बस इतनी ही देर लगती है निकालते हुए, और बाकी आप लिखने की बात आपको मैंने बता दी है, मेन जो मुश्किल निकालने की बात है वो बस इतनी है। एंड आई होप अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, इवन इफ अगर अच्छे से नहीं बैठा है इस वीडियो को दो चार बार चला करके देखिए, पास करके 20 में से खुद आप जो खुद निकालने की कोशिश कीजिए, इवन इफ आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ, अपने आप को कोरोना से बचा करके रखिए।